देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चल रही मुहिम के तहत सहारनपुर में आज लोगों ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने को लेकर यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया गया, जिसमें यात्रा का काफिला 18 फरवरी को जम्मू से सुबह आरंभ हुआ और आज 4 दिन में सहारनपुर पहुंचा। जहां इस यात्रा को लेकर चलने वाले सुरेंद्र चाणक्य ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि बच्चे दो ही अच्छे, जिस तरह देश में महंगाई बढ़ रही है इसके चलते माता पिता को भी बच्चों के पालन पोषण के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, हिंदुस्तान में बढ़ती जनसंख्या ये किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से कम नहीं है। सड़क से लेके, रेल से लेके, हवाई जहाज से लेके, समुन्द्र से लेके हमारे पास जनसंख्या समस्या की इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि इसका कोई उपाय नहीं मिल रहा है। और ये उपाय मिलना तो दूर, इसके लिए जो हिंदू हम दो हमारे दो का नारा दे रहा है तो कई धर्मों के लोग उसको फॉलो नहीं करे। 70 दिनों की 20,000 किलोमीटर की 1,000 सभाओं के साथ 10 करोड़ हस्ताक्षर लेकर यात्रा 22 अप्रैल को दिल्ली पहुंचेगी और हम सरकार से मांग करेंगे कि हम दो हमारे दो तो सबके दो ऐसा जनसंख्या नीति का कानून लाए। 10,000 रुपए में 4 बच्चे अगर जीवन जीते हैं माँ बाप के साथ, वहाँ पर अगर 8 बच्चे हो जाएंगे तो 10,000 के हिस्से तो बढ़ जाएंगे ना, तो उनके जीवन शैली का क्या होगा, उनके भविष्य का क्या होगा, उनके स्वास्थ्य का क्या होगा, ये उनको समझाना चाहिए। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से संवाददाता जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।